प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम शकीबा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यूपीएससी स्ट्रेटजी। ओके, सो देयर आर 8 टिप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो आपकी 3 स्टेजेस में होती है, दैट इज प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। सो वो एग्जाम पैटर्न क्या है, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेबस। सिलेबस जो है वो आपके टंग पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रिलिम्स में किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो जो सिलेबस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। आपका प्रिलिम्स का, मेंस का जो भी सिलेबस है वो आपके टंग पे होना चाहिए, सो दैट आप उसको इजिली मेमोराइज कर सकते हो। बाकी आप कहीं अगर कोई टॉपिक उससे रिलेटेड देख रहे हो किसी सब्जेक्ट में या न्यूज़पेपर में, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज। नो डाउट मार्केट में बहुत सारे बुक्स, स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप इन सारे बुक्स को पढ़ के आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो, यूपीएससी का पेपर निकाल सकते हो। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मार्केट से लोगे, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप कम रिसोर्सेज पढ़ो बट उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ठीक है। आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, लाइक आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट की जो आपकी मेन रिसोर्सेज बुक्स हैं, ठीक है, आप कम बुक्स पढ़ो बट उसको कई बार पढ़ो, तो जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो आपकी जो बुक लिस्ट ऑन रिसोर्सेज है वो भी आपकी पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि आपको यही बुक्स पढ़नी है एंड आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करोगे। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मोस्टली आपके 60-70% क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्टली आपकी न्यूज़पेपर से, आपकी करंट अफेयर्स से यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी भी रिकमेंड करती है कि आपका द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं एंड वो क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आपके डेली न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि आपके यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप उससे अगर नोट्स बनाते हो या अपनी करंट अफेयर्स की डेली पढ़ते हो, जैसे मंथली मैगजीन्स हो गई या एनुअल मैगजीन्स हो गई, तो उससे क्या होता है कि आपका वो करंट डाटा भी रिवाइज होता रहता है जो डे टू डे लाइफ में आपके हो रहा है, तो उससे आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो यूपीएससी के हैं, इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स के भी, वो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे हैं, आप देख सकते हो 15 साल के या 10 साल पहले के, 20 साल पहले के, आप वो क्वेश्चन पेपर देखो तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। उससे भी आपका अगर मान लो एक आध क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सभी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि उस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूपीएससी में फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जो होता है वो मैं आपको बता दूं, आपका दो ऑप्शनल पेपर होता है, पेपर वन एंड पेपर टू, जो आपके 250 एंड 250 मार्क्स के होते हैं, दैट मीन्स कि आपके 500 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो आप जो भी अपना ऑप्शनल डिसाइड करते हो वो भी आप अपना सोच समझ कर डिसाइड करो, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको लगता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में अपना बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वही ऑप्शनल पेपर चूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेली आंसर राइटिंग। नो डाउट आप प्रिलिम्स का पेपर क्वालिफाई कर जाते हो, प्रिलिम्स में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड के होते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन राइट करना होता है, बट मेंस में अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है।
क्योंकि आप में उसमें आपका सब्जेक्टिव वाइज होता है, तो अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपका आंसर जो होता है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता है, ठीक है। एंड जब आपकी आंसर राइटिंग में आपका अच्छा आंसर हो जाएगा, आप डे बाय डे इम्प्रूव करोगे, तो उससे भी आपके मेंस के सिलेक्शन में हाई चांसेस होते हैं, ओके। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इज रिविजन। आपने जो कुछ भी पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, अगर आपने रिविजन नहीं किया है तो आपने जितना भी पहले का पढ़ा है वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो इसलिए आप जो भी पढ़ते हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, इवन आप न्यूज़पेपर से भी जो नोट्स बना रहे हो, वो सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रिवाइज करते रहोगे, डेली रिविजन करते रहोगे, तो पहले का भी नहीं भूलोगे और जो आने वाले जो आप चैप्टर्स कवर कर रहे हो वो भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही थी कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हो या आप नेक्स्ट ईयर भी देते हो, अगर इन पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रखते हो, सो डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।